हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है टॉर्ट। आप इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार सुन लो, कुछ इस तरह से होता है टॉर्ट। आपने ये शब्द शायद सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा, मैं ये नहीं जानता, पर मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें टॉर्ट के बारे में बताना चाहूँगा जो आपके एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेंगी। अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हो जैसे सीएस एग्जीक्यूटिव का, तो इस चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की फाइल अपने वीडियो के साथ अटैच कर दे रहा हूँ, जिसे आप अपने रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं। और यदि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे CSEET के एग्ज़ाम में टॉर्ट एक टॉपिक है, अगर ये आ रहा होगा तो मेरा लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेरी आपसे एडवाइस यही होगी कि आप एक पेन और कॉपी लेकर इस वीडियो को सुने, ताकि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकें। जैसे कि एक बार और इसका प्रोनाउंसिएशन सुन दीजिए आप। अच्छा, ये जो टॉर्ट है ये लैटिन वर्ड से आया है, जिसका सबसे जब ओरिजिन हुआ था एकदम प्योर लैटिन में, इसको टॉर्क्योर कहते थे, मतलब चीज़ों को ट्विस्ट कर देना। फिर समय बदला, अगेन लैटिन में इसका मतलब है टॉर्टम, मतलब गलत होना किसी के साथ। धीरे धीरे फिर इसे इंग्लिश वर्ड्स में भी दिया जाने लगा, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है एनी टाइप ऑफ सिविल रॉन्ग। साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ तो आपको ये समझना होगा कि गलत तो गलत ही होता है। यदि हम जानबूझकर किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो उसे क्राइम कहते हैं, और यदि जाने अनजाने हमारी वजह से किसी का नुकसान हो जाता है तो उसे टॉर्ट कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ, एक बहुत थिन लाइन है क्राइम और टॉर्ट के बीच में। जैसे अगर मैं रास्ते पर जा रहा हूँ, मैं एक बनाना खा रहा हूँ, अगर मैं जानबूझकर उसके छिलके को फेंकता हूँ जिससे कोई गिरता है और उसका नुकसान होता है, तो ये क्राइम है। जस्ट अपोजिट बात करें, यदि मैं रास्ते पर जा रहा हूँ, मैं केला खा रहा हूँ, मैं छिलके को बिना सोचे समझे कहीं भी देखे फेंक देता हूँ, और मेरी वजह से अगर कोई गिर जाता है तो कहीं ना कहीं उसको हर्ट तो हुआ ना, तो मैं अनइंटेंशनल ही किसी को नुकसान तो कर रहा हूँ, तो मैं इसे टॉर्ट कह सकता हूँ। टॉर्ट का आपको और एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये भी बोल सकता हूँ कि जैसे आपके हाथ में जो मोबाइल है, यदि मैं आपके हाथ से उस मोबाइल को लूँ और यूज़ करना शुरू कर दूँ, तो होगा क्या उससे? एक्चुअल में आपको कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है, पर आपको कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है, आपके एक राइट को नुकसान हो रहा है, आपकी प्राइवेसी को नुकसान हो रहा है, तो इसे मैं टॉर्ट में डिफाइन करूँगा। तो जो MCQ पढ़ रहे हो उनके हिसाब से तो आप तुम ये याद रखो कि सबसे पहले तो ये लैटिन वर्ड से आया, जिसका मतलब टॉर्टम, बाद में इंग्लिश में इसे अडॉप्ट किया गया, टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। ये शब्द आपको पहले दिमाग में बैठ जाना चाहिए। नेक्स्ट टर्म जो आपको पता होना चाहिए और जो आपको आना चाहिए वो है मेंसरिया। आप इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार सुनो। मेंसरिया मतलब होता है गिल्टी माइंड, इंटेंशन का गलत होना। आप हमेशा याद रखो, कोई भी चीज तब तक क्राइम नहीं कह जाती जब तक मेंसरिया एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल, मैंने दो लोगों का मर्डर किया, सबको लगेगा मैंने गलत किया, लेकिन कोर्ट में क्या एस्टेब्लिश करना होगा, इंटेंशन क्या है, मैंने उन लोग का मर्डर क्यों किया। सपोज करो अगर वो लोग टेररिस्ट होते और मैंने उन्हें मारा, तो मैंने अपने देश की रक्षा करी, तो यहाँ पर कहीं से भी ये नहीं माना जाएगा कि मेरा इंटेंशन गलत था। तो आप ये बात याद रखो कि जब भी क्राइम होगा मेंस रिया का प्रेजेंट होना जरूरी है, और ये चीज टॉर्ट में हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब हम अपने टॉर्ट के टॉपिक पे फुल्ली आते हैं और उसके एक एक शब्द को समझते हैं। जैसे मेंसरिया का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। मेंसरिया क्या है? किसी भी क्राइम का सबसे एसेंशियल एलिमेंट जो होता है उसे मेंसरिया बोलते हैं। ये एक इंटेंशन है जिसके कारण आपने क्राइम किया। आप एक ग्राफ देखो, मेंसरिया, ये पर्सन पंच मार रहा है क्योंकि इसके मन में था कि वो सामने वाले को नुकसान पहुंचा है, तो जब इसने पंच मारा तो इसे कहेंगे एक्टस रियस। तो जब मेंसरिया और एक्टस रियस मिले तो क्राइम बना। फिर से रिपीट करता हूं मैं अपनी बात को, आप समझो। इस पर्सन के दिमाग में था, सपोज करो इसका नाम अजय है, इसके दिमाग में था इसे विजय को नुकसान पहुंचाना है, इसने विजय को मारा, तो जब इसके दिमाग में बात आई तो ये मेंसरिया है, और जब इसने हिट कर दिया तो सच में इसने गलत काम कर दिया। एक्टस रियस मतलब गलत काम होता है, और जाकर बना क्राइम। तो आप मेंसरिया शब्द को ध्यान रखेंगे, इसका मतलब है गिल्टी माइंड। अब आते हैं टॉर्ट वर्ड पे। टॉर्ट मतलब होता है, देखो शब्द को पढ़ो, एनी टाइप ऑफ सिविल रॉन्ग, और इन अदर वर्ड्स रॉन्ग डन टू अ पर्सन, हिज प्रॉपर्टी, मनी, रेपुटेशन, देन सच रॉन्ग शैल बी रिगार्डेड एज टॉर्ट। आप किसी भी तरह से अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को, पैसे को, रेपुटेशन को जाने अनजाने यानी नुकसान पहुंचा देते हैं तो उसे टॉर्ट कहते हैं। टॉर्ट अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे टॉर्ट का एक टाइप होता है बैटरी,
बैटरी मतलब होता है बिना किसी की कंसेंट के उसे टच करना, उसे चिढ़ाना, उसे परेशान करना। जैसे मैं रास्ते पर जा रहा हूँ, मेरा मूड ख़राब है, मैंने किसी को जाने अनजाने धक्का दे दिया, तो इसे बैटरी की कैटेगरी में कहेंगे। तो आप जब किसी को परेशान करते हो या अनलॉफुली टच करते हो तो अनकंफर्टेबल हो जाता है, और इसे बैटरी मतलब टॉर्ट कहा जाता है। टॉर्ट का सेकेंड टाइप होता है असॉल्ट। असॉल्ट वर्ड का मतलब होता है किसी को मारना। नॉर्मली ये एक तरह का हार्मफुल कॉन्टैक्ट है जो पर्सन तब करता है जब उसके साथ बैटरी हो रही हो। आप बिग बॉस, स्प्लिट्स विद रोडीज देखते होंगे तो अक्सर उसमें होता क्या है, कोई ना कोई पर्सन बैटरी करता है और बदले में कोई असॉल्ट करता है और उस घर से बाहर हो जाता है। तीसरा टाइप जो होता है टॉर्ट का, उसे कहते हैं नर्वस शॉक। बोलते हैं ना, वर्ड्स आर माइटियर देन स्वॉर्ड। शब्द जो होते हैं तलवार से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो अगर मैं किसी को कोई नेगेटिव बात कहता हूँ जिससे उसे मानसिक आघात होता है या वो किसी तरह से परेशान होता है या इमोशनली डिस्टर्ब होता है, तो ये भी एक तरह का टॉर्ट है और इसे नर्वस शॉक कहा जाता है। अभी तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ा, एक बार कंपाइल करते हैं। टॉर्ट आया कहाँ से? ये एक लैटिन वर्ड है, टॉर्टम से आया है, ठीक है। ये कैसा रॉन्ग है? ये सिविल रॉन्ग है। टॉर्ट के टाइप क्या क्या हैं? तो टॉर्ट का टाइप नंबर वन है बैटरी, अनलॉफुली किसी को छूना। असॉल्ट, किसी को मार देना, अक्सर ये बैटरी का रिस्पॉन्स होता है। नर्वस शॉक, किसी से नेगेटिव वर्ड्स कहना। नेक्स्ट जो टाइप होता है टॉर्ट का, वो होता है डिफेमेशन। इसका मतलब होता है किसी की रेप्यूटेशन पे अटैक करना। नॉर्मली डिफेमेशन एक ऐसी चीज़ है जो क्राइम और टॉर्ट दोनों ही कैटेगरी में इंडिया में आती है, क्योंकि हमारी आदत है, हम बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं किसी चीज़ से भी या किसी के कुछ कहने पर भी। तो यदि मेरी बात से किसी को लगता है कि उसकी रेपुटेशन को असर हुआ है, इफेक्ट हुआ है, तो वो मुझ पर डिफेमेशन का केस डाल सकता है। डिफेमेशन नॉर्मली दो तरह के हैं, लिबल एंड स्लैंडर। लिबल का मतलब होता है किसी की रेप्यूटेशन पे परमानेंट फॉर्म पे अटैक करना, जैसे उसका कोई आर्टिकल छाप देना, कोई बुक छाप देना, कोई मूवी बना देना, दैट्स लिबल। स्लैंडर मतलब होता है वर्ड्स या गेस्चर इस्तेमाल करना जिससे किसी को हार्म हो या उसकी रेपुटेशन का हार्म हो। लॉ ये कहता है बेसिकली कि लिबल इज मोर सिवियर देन स्लैंडर। लिबल कभी भी स्लैंडर से ज़्यादा खतरनाक है, और डिफेमेशन जो है इंडिया में टॉर्ट और क्राइम दोनों ही हैं। नेक्स्ट जो उसके बाद टॉर्ट आता है उसे मलिशियस प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है झूठे केस में किसी को फंसा देना। जब कोई झूठे केस में फंसता है तो इससे होता यह है कि उसकी रेप्यूटेशन को कहीं ना कहीं इफेक्ट जाता है, और अगर वो बहुत गुडविल वाला पर्सन है तो ये चीज़ पक्का होगी। अब सपोज करो आपके साथ टॉर्ट हो गया, तो आप क्या करोगे? ये तो नहीं करोगे ना कि जमशेद सर लॉ पढ़ा रहे हैं, हमने लॉ सुना, तो आपके साथ किसी ने टॉर्ट किया, बोले चल कोर्ट में केस करूंगा मैं। हर बात के लिए तो केस नहीं किया जा सकता। तो टॉर्ट में रेमेडीज को भी दो तरह से बांटा गया है। यदि आपको अप्रोप्रिएट लगता है, अगर आपका इस लेवल का हार्म है जो आपकी रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को लेकर है, तो बेस्ट थिंग ये है कि आप जुडिशियल रेमेडी का इस्तेमाल करो, मतलब आप कोर्ट ऑफ लॉ का इस्तेमाल कर सकते हो। कोर्ट में जाओगे तो आप क्या मांगोगे सामने वाले से? आपका नुकसान तो हो गया है, आप या तो कंपनसेशन मांगो उससे, दूसरी चीज़ कंपनसेशन मांगो और दूसरा उस पर स्टे लगवा दो, इंजंक्शन लगा दो कि आगे से वैसा ना करे। अब कई बार क्या होता है, हमें ये अप्रोप्रिएट नहीं लगता कि छोटी छोटी बातों के लिए कोर्ट जाए। अब सपोज करो मुझे किसी ने धक्का दे दिया, अब मैं उसे थोड़ी ना बोलूंगा कि चल अब मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। हर बात के लिए तो हम कोर्ट नहीं जा सकते ना, वैसे ही हमारे जस्टिस सिस्टम पे इतना ज़्यादा बर्डन है तो कैसे करेंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी भी है, मतलब जहां हमें कोर्ट ना जाना पड़े, हम मैटर को खुद ही सुलझा लें। जैसे एक होता है सेल्फ डिफेंस। अगर कोई मुझे बेमतलब टच कर रहा है तो मुझे रिएक्ट नहीं करना, उसे मारना नहीं है, वरना उतना ही गलत मैं भी हो जाऊंगा। बट मैं तो ये तो कर सकता हूँ ना कि मैं अपना सेल्फ डिफेंस करूँ, वहाँ से हट जाऊँ, या इतनी सिर्फ फोर्स का यूज़ करूँ जिससे सामने से दूर हट जाए, तो इससे टॉर्ट भी रुकेगा और मैं भी सेफ रहूँगा। दूसरी चीज़ मैं ये कर सकता हूँ कि ट्रेसपास को रोक सकता हूँ। ट्रेसपास को घुसपैठ कहा जाता है हिंदी में। ये इसलिए बनाया गया था ताकि हमारी प्राइवेसी में कोई दखल ना दे सके। सपोज करो अपने घर में मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे घर का कोई गेट खुलता है, मेरे घर के अंदर एंटर कर जाता है, मेरे बाजू में सोफे में बैठ जाता है, तो एक समझदार इंसान के तौर पे मैं क्या करूंगा? उसे रूह अफजा तो नहीं पिलाऊंगा, मैं उसे क्या करूंगा, घर के बाहर भेजूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरी प्राइवेसी को हार्म कर रहा है। इसे बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास। देन बारी आती है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस की, मतलब होता है हंगामा कम कराना। आप सपोज करो आपके घर के आसपास हंगामा हो रहा है और घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप जाओगे उस पर्सन को मना करोगे कि कहीं और जाके हंगामा करो, यहाँ ना करो। जैसे कोई डीजे बजा रहा है
तो आप क्यों उसे पर्सन को जाके आप करोगे क्या? आप जाओगे उसे बोलोगे भैया यहाँ मत करो, हमें परेशानी हो रही है, क्योंकि आपका कंफर्ट से रहना एक राइट है और वो पर्सन आपके राइट को नुकसान पहुंचा रहा है। देन डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट, जो आपके साथ टॉर्ट करना चाहे आप उसे डिसेबल करो। री एंट्री एंड लैंड का मतलब आपकी ज़मीन पे अगर कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है आप अपनी ज़मीन पे वापस जा सकते हो और अपनी ज़मीन को वापस ऑक्यूपाई कर सकते हो। रिकैप्चर ऑफ गुड्स, आपका सामान आपसे कोई बिना पूछे अगर दे देता है तो आप सबसे पहला काम उसे वापस दो। तो ये सारी होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। तो अभी के लेक्चर में हमने पढ़ क्या क्या दिया, टॉर्ट का ओरिजिन क्या है, मेंस रिया क्या है, टॉर्ट के टाइप्स क्या हैं, टॉर्ट में रेमेडीज कौन सी है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अब बारी आती है टॉर्ट के एसेंशियल एलिमेंट की, कैसे कोई चीज टॉर्ट बनती है। अब सपोज करो किसी ने राह चलते मुझे धक्का दे दिया तो मैं थोड़ी ना चिल्लाता रहूंगा टॉर्ट हुआ टॉर्ट हुआ, मुझे एस्टैब्लिश भी तो करना पड़ेगा ना, हाँ सच में टॉर्ट हुआ है। तो टॉर्ट के लिए सबसे जरूरी बात क्या है, एक रॉन्गफुल एक्टिविटी होनी चाहिए, एक गलत काम होना चाहिए। दूसरी बात, इससे इंजुरी स्टैब्लिश होनी चाहिए, इंजुरी मतलब आपको ये साबित करना होगा कि आपका नुकसान किस तरह से हुआ है। इसमें एशबाई वर्सेस वाइट का एक केस है जिसमें दो तरह के टेस्ट बताए गए हैं जिससे हमें समझ आता है कि कोई चीज़ टॉर्ट है कि नहीं है। टेस्ट नंबर वन जो होता है उसे कहते हैं डैमनम साइन इंजुरिया, इसका मतलब होता है डैमेज विदाउट इंजुरी। डैमनम मतलब होता है डैमेज, साइन मतलब होता है विदाउट, इंजुरिया मतलब होता है इंजुरी। कहने का मतलब ये है नुकसान तो हो रहा है बट इट इज़ नॉट पर्सनल। फॉर एग्जांपल मेरी एक शॉप है बहुत अच्छी चलती है, अगर मेरी शॉप के सामने किसी और ने शॉप खोल दी है या स्टार्ट कर दी है तो इससे मुझे डैमेज तो हो रहा है पर नथिंग पर्सनल। जितना मेरा राइट है बिजनेस करने का उतना ही सामने वाले का है, तो इसे टॉर्ट में कवर नहीं कर सकते। दूसरा टेस्ट जो होता है उसे बोलते हैं इंजुरिया साइन डैमनो। इंजुरिया मतलब होता है इंजुरी, साइन मतलब होता है विदाउट, डैमनो या डैमनम का मतलब होता है डैमेज, मतलब आगे से डैमेज दिख तो नहीं रहा है पर पर्सनली हमें इंजुरी हुई है। फॉर एग्जांपल वोटिंग का दिन है, इलेक्शन के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था बट इलेक्शन के दिन मुझे रूम में लॉक कर दिया गया, तो इससे कोई बहुत बड़ा देश को नुकसान नहीं हो गया है पर हुआ क्या, मेरा एक राइट था वोट डालने का, अब मैं उस राइट का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा तो मुझे पर्सनल इंजुरी हुई। तो जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया होगा मैं उस पर टॉर्ट का केस डाल सकूंगा, मतलब मैं रिलीफ क्लेम करूंगा। तो सारी बातों को एक बार रिपीट कर देते हैं, टॉर्ट कहाँ से आया, टॉर्ट वर्ड आया लैटिन वर्ड टॉर्टम से, शुरुआत में इसका मीनिंग ट्विस्ट था, फिर इंग्लिश में इसको बोला गया सिविल रॉन्ग है। फिर मैंने आपको मेंस रिया का मतलब बताया है, मेंस रिया का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, मेंस रिया का मतलब मैंने आपको गिल्टी माइंड बताया है, कोई भी चीज़ क्राइम तभी होती है जब वो क्या हो, मेंस रिया हो। टॉर्ट का मतलब मैंने आपको बताया हर तरह का सिविल रॉन्ग, मतलब जाने अनजाने आपसे हुई गलती। फिर मैंने आपको टॉर्ट के टाइप्स बताए हैं जैसे कि बैटरी मतलब अनलॉफुली किसी को टच करना, असॉल्ट किसी को हिट करना, अपनी बातों से किसी को हर्ट करना, नर्वस शॉक, किसी की रेपुटेशन पे अटैक करना, डिफेमेशन जो दो तरह का है, लिबल स्लैंडर। देन मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब झूठे केस में किसी को फंसाना। फिर मैंने आपको बताई जुडिशियल रेमेडी, मैंने आपको बताई एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी और मैंने आपको बताया एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। टॉर्ट का मैंने सिर्फ एक ही पार्ट आपको बताया है, डिटेल्ड पार्ट जिसमें केस स्टडीज़ भी होंगी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा। थैंक यू सो मच।